अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे कुछ जूनियर साथी अक्सर मुझसे जो है टेलीफोन पे और जो है ना व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक के जरिए मुझसे सवाल करते हैं कि ये जो शॉटगन है इसका रेंज क्या है, डेड शॉट क्या है, हम कितने फासले से परिंदों को मारें। तो मेरे दोस्तों इस पर डिपेंड करता है पांच छह चीजें, एक नहीं है। ये बंदूक डिपेंड करता है कि ये पाकिस्तानी बना हुआ है या किसी बैरूनी मुल्क का बना हुआ है। डिपेंड करता है इसकी बैरल की लंबाई, कोई 24 इंच का है, कोई 26 इंच का है, कोई 28, 30, 32 का है। जितना ये छोटा होगा इसका रेंज कम होगा, जितना इसकी बैरल की लंबाई ज्यादा होगी इसका जो रेंज है वो ज्यादा होगा। फिर डिपेंड करता है कारतूस पे कि कारतूस आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 नंबर दूर जाता है, 6 नंबर, 5 नंबर उससे कम है, 8, 7 नंबर उससे कम है, और जो सबसे ज्यादा है वो डिपेंड करता है इसके चोक पर कि बंदूक कितना चोक है। आज मैं अपने साथियों को, जूनियर साथियों को बताना चाहता हूँ चोक का, उनका मसला बिल्कुल हमेशा के लिए हल होगा अगर ये वीडियो मेरा सेव करके अपने पास रख लें, तो जब भी उनको मसला हो वो वीडियो के जरिए देख सकते हैं। तो चार चोक हैं, मशहूर तीन हैं, वैसे चार चोक इस्तेमाल करते हैं। एक कच लगा हुआ है, ये तीन कच लगे होते हैं, चार होते हैं और ये पांच कट वाले। तो इनके नाम है, इसको ये जो एक कट्टा है इसको कहते हैं फुल चोक, तीन कट वाले को कहते हैं मॉडिफाइड, और ये चार कट वाले को कहते हैं इम्प्रूव्ड, और पांच कट वाले को कहते हैं सिलेंडर। अब ये मैंने फोटो बनाया हुआ है, जो एक नंबर का जो रेंज है वो जो है ना 30 से 45 गज तक इसका डेड शॉट है। ये परिंदे को गारंटी से मारेगा, 30 से 45 जो गज का फासला है ये इसका है, और ये इसका रेडियस भी है, लेकिन वीडियो लंबा होगा। ये मैं ऐसे सिर्फ दिखा रहा हूं कि ये इसका आखिर में 35 पे जाकर इतना खुलेगा। और ये जो मॉडिफाइड है इसका जो रेंज है ये 20 से 35 तक इसका जो है ना रेंज है, ये 20 से 35 मीटर तक ये मार करता है। ये थोड़ा सा इसका मुंह खुल रहा है और इसकी निस्बत ये इसके जो लंबाई है या रेंज है वो कम है। फिर इसके बाद तीसरा आता है ये जो चार कट लगे हुए इम्प्रूव्ड इसको कहते हैं, ये 15 से 30 तक, 15 गज से 30 गज तक इसकी रेंज है। अगर यहां परिंदा हो 15 से 30 तक तो ये इम्प्रूव्ड सिलेंडर वाला जो है ना गन है ये आपके परिंदे को मार सकता है। फिर ये जो सिलेंडर, ये जो चोक है ये 20 गज तक बस इसकी रेंज है, 20 गज तक ये जो है ना जो सिलेंडर चोक है ये मार सकता है। इसके अलावा बिल्कुल सेम जैसे ये चीजें मैंने बताई हैं, तो आप तस्वुर करें कारतूस को भी ऐसे ही, एक बलूची तरीका मैं बता रहा हूं कि इसको आप 4 नंबर तस्वुर करें, ये जो एक नंबर चोक है जिस तरीके से ये 4 नंबर कारतूस की ताकत है, ये 5 और 6 की जो है ना ताकत है, ये जो है ना 7 की है और ये 8 की है। तो ये जितना कारतूस जो है ना 8 नंबर है कम रेंज पे मारेगा लेकिन ज्यादा फैलेगा। और ये भी अहम नहीं है कि ये सबसे बेस्ट है, ऐसा ऐसा भी नहीं है। फर्ज करें जो है ना डक्स बैठे हुए हैं, एक बहुत ज्यादा जो है फ्लॉक है, जब आप ये एक नंबर इस्तेमाल करेंगे तो वहां ज्यादा से ज्यादा आपको एक या दो या ज्यादा से ज्यादा तीन जो है ना डक्स गिरेंगे, क्योंकि ये इसके फैलाव जो है ना ये कम है। तो इसके लिए अक्सर शिकारी जो है ना ये मॉडिफाइड जो है ना चोक इस्तेमाल करते हैं, ये फैलता है। और इसके बाद अगर आप इसका बटेर का शिकार करते हैं, आप तीतर का शिकार करते हैं, तो उसके लिए जो बस बेस्ट है ये इम्प्रूव्ड है, क्योंकि वो उड़ते हुए जा रहा है, ये छरे जब ज्यादा फैलेंगे तो इसका खता होने का कोई चांस नहीं रहता। अगर तलियर हैं, क्योंकि वो तलियर तो ऐसे दरख्त भरा होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा होते हैं और आपको छोड़ते भी बड़े नजदीक रेंज में है, तो वो जो है ना आप सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं 20 गज पे जो है ना आप आसानी से, क्योंकि ये इतना इसका फैलाव है, इसमें किसी भी तलीर का यानी बचने का कोई चांस नहीं है। बहुत ज्यादा से ज्यादा
परिंदे इसमें गिर सकते हैं। मैं एक और आम तरीका बताऊं, फर्स्ट करो आप जो है ना, ये जैसे मैंने ये तो मैं दिखा रहा हूं, ये कट जैसे इसको कहते हैं, ये एक कट लगा हुआ है, ये है एक नंबर, ये है फुल चोक और इस पे चार लगे हुए हैं, ये जो है इम्प्रूव्ड है। तो लेकिन बलूची तरीका क्या है मैं आपको वो बताता हूं, ये शॉटगन है क्योंकि ये इसकी जो बैरल है ये ओवर अंडर का, ये फुल चोक है और ये इसका इम्प्रूव्ड है, ये फुल चोक है ऊपर वाला जो है, ये फुल चोक और ये इम्प्रूव्ड है। ये आराम से आप ऐसे उंगली जब डालेंगे तो ये जो है ना आपको नजर आ रहा है, ये मेरा जो वो निशान है ये यहां तक नीचे वाले का चला गया है और जबकि ये आप देखें यहां तक पहुंच गए। तो इसके उंगली से भी आप अंदाजा लगाएंगे। लेकिन दुनिया का मैं ये समझता हूं सबसे जो फुल चोक है वो रशियन बैकाल पुराने मॉडल जिसमें चोक ओपनिंग है, ये फुल चोक है, इससे ज्यादा ये अंदर नहीं जा रहा, वो यहां तक गए थे, यानी ये ब्रीटा का जो एक नंबर चोक है उससे भी ये ज्यादा चोक है, इसलिए मैं इस गन को ज्यादा इस्तेमाल करता हूं ताकि ये फुल चोक है दूर मारने के लिए, फर्ज करो तलूर है या कोई गूज वगैरह है जो नजदीक नहीं छोड़ते हैं, खरगट वगैरह, तो वो उसके लिए ये बेस्ट है। फिर दूसरे नंबर पे ये जो है ना ये भी बेकार है क्योंकि इसमें दोनों खसूसियत हैं, मॉडिफाइड भी इसमें है और इसमें फुल चोक भी है। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। इसको जो है ना इसको आप एक दफा फिर इस वीडियो को आप महफूज करें, आप इसको जब देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैंने कौन सा चौक इस्तेमाल करना है, कौन सा कारतूस इस्तेमाल करना है। ये समझो चार नंबर है, ये पांच नंबर है, ये छह और सात नंबर है, ये आठ नंबर कारतूस, वो भी इसी तरीके से, उनका फासला भी इतना ही होगा और वो फैलते भी इसी तरीके से, चार नंबर दूर जाएगा और फैलेगा कम, पांच नंबर उससे ज्यादा करीब नजदीक होगा लेकिन उसकी फैलाव ज्यादा है, रेडियस उसका ज्यादा है, और ये जो है ना छह और सात नंबर ये थोड़ा सा मतलब चार नंबर की निस्बत कम है, लेकिन आठ नंबर बिल्कुल जो है ना ये उसका रेंज भी कम है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा परिंदे मारने के लिए। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया, गर्मी भी है बिजली नहीं है, तो इस वीडियो को सेव करें। अपने दोस्तों से, जूनियर दोस्त हैं, यूट्यूब को अगर आप लोग जो है मेरा उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई भी होगी, मेरे उसमें सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और मैं मजीद शिकारियों को इस किस्म के जो भी मुझे आता है, जो भी मेरे समझ में आता है, मैं उनकी रहनवाई करता रहूंगा। थैंक्स।